अभी जिस तरह से प्रकरण चल रहा है सर, प्रकरण पर बात करना चाहेंगे सर। कौन से प्रकरण पर बताइए? तो जज बनकर जो फर्जीवाड़ा किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है, इसका अनुसंधान चल रहा है। कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में ब्रीफ करूंगा। क्या लग रहा है कि इस पर लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूँ, अंदाजा मत लगाइए अंदाजा, बिल्कुल जो बात है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो है कोई भी किसी भी बात के लिए हम लोग अपना तथ्य को करके तो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसको हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं, मैं जब कह रहा हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील पेचीदा रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है, उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। सवाल, जो एजेंसी अभी जांच कर रही है, क्या बिहार पुलिस की एजेंसी जो है दूध का दूध और पानी का पानी साबित कर पाएगी? हमारी जो एजेंसीज हैं जाँच की, वो एजेंसीज पूरी तरह सक्षम है, उनके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारी कई एजेंसी जो हैं वो अलग अलग तरह की जांच जो है वो करती हैं। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं वो उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं, सीबीआई की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना, आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे पे बात ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूं। एक सवाल है सर, बिहार में फ्रॉडिज्म का जो धंधा वो चल रहा है, बैंक के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे चल रहा है, ऐसे में जो आपका जो तंत्र है वो किस तरीके से काम कर रहा है? हमारे जो साइबर सेल एक जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, बना हुआ है हमारा, जो हमारी इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट है उसी के अंदर वो कार्यरत है। और आप भी ये चीज़ से सहमत होंगे कि हर कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े जो हैं ये केसेस का उद्भेदन होता है, लोग पकड़े जाते हैं, दुनिया भर के सिम मिलते हैं, जो फ्रॉड की राशि है वो मिलती है। तो ये चीज़ जो है ये लगातार चल रही है, ये आगे भी चलती रहेगी।